शहर हैदराबाद के इलाके इंदिरा नगर में इतवार के रोज 61वां धमा दीक्षा प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम का इनका सदर राजकुमार कामले की जेर निगरानी मुनाकिद किया गया था। इस मौके पर वीबी बोधी धमा गुरु एससी कमीशन मेंबर के रामलू एनबीडीए के सदर एम चंद्रशेखर रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की खिदमत को याद किया गया। आदिलाबाद में मेरा महाधान भूमि करके बिहार है। आज यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 को 14 अक्टूबर नागपुर में जो दीक्षा ली थी उसका 61वां वर्ष है और उस उपलक्ष्य में सभी लोग सारे भारतवर्ष में इस दिन को मना रहे हैं। आज गुफानगर में भी हमारे कामले परिवार ने इस कार्यक्रम का आयोजन करके सबको आज यहाँ पर इकट्ठा किया है कि आज दुनिया को जो दुनिया चारों तरफ किसी ना किसी प्रकार से परेशान है, दुखी है और संसार के अंदर इस तरह का माहौल पैदा हो गया है कि इस मानव का कब क्या हो जाएगा, ऐसे वातावरण में जहाँ मानवता कर्रा रही है, चिल्ला रही है, आक्रोश कर रही है, वहाँ आज बुद्ध के विचारों का बहुत बड़ा आवश्यकता हो गई है। और हम लोग चाहते हैं कि बुद्ध की वाणी को लेकर हम भारतवर्ष नहीं तो विश्व को भी एक शांत का प्रेम का बंधुता का हम संदेश दें और इसीलिए आज का ये 61वां जो धम्म चक्र परिवर्तन दिवस है उसकी महत्ता है। जितने सोसाइटी है बुद्ध धर्म के पूरे लोग उसमें भाग लिए और यहाँ के बस्तियों के भी अध्यक्ष और बाकी के वाल्मीकि समाज भारत डेवलपमेंट अध्यक्ष शेखर रेड्डी और इंदिरा नगर सभी लोग इसमें भाग लिए। सभी लोगों को बाबा साहेब अम्बेडकर ने यह बुद्ध धर्म क्यों स्वीकार किया। यह देश में हिंदू देश है, यह हिंदू देश में बुद्ध धर्म सीखने का कारण क्या है। यह बाबा साहेब ने 100 साल पहले जो दलित परिवार है गांव में वो लोगों को अन्य जाति के लोग उनको पानी नहीं पीने देते थे, बोर्डों में पानी नहीं लेने देते थे और मंदिरों को नहीं जाने देते थे और उन्हों ये भी उनको पाठशाला को नहीं आने देते थे, पाठशाला प्रवेश कम था। तो दलित लोग जो पानी पीना है जो गांव में जो बिचड़े और कुत्ते जो पीते पानी ऐसा पानी पीने का अवसर मिला। जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने यह सोचा ये देश में भगवान सब एक है, आकाश सबका है, पानी सबका है और जमीन सबका है, ये पानी क्यों नहीं पी सकते। इन्होंने ये किए महाराष्ट्र में महत एक शरू था, वो समुद्र था, उसके ऊपर उन्होंने सब दलितों को इकट्ठा कर ये महार शरू में उन्होंने पानी पीने का पहला उनका जिंदगी में पहली उन्होंने संघर्ष करे वो सफलता हुआ। वो सभी देश भर में हम भी दलित पानी पी सकते हैं।